अस्सलाम वालेकुम रमजान। रमज़ान की पहली सहरी बहुत मुबारक। अभी मैं उठा ही हूँ, लेट हो गई है उठने में, तो अभी मैं उठा हूँ। आँखें आप मेरी देख सकते हो, लाइक काफ़ी रेड हुई पड़ी हैं। तो ये जो निशान है मेरे फेस पे, ये ऑलमोस्ट यहाँ वाला तो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। तो अभी मैं उठा हूँ, मुंह पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, और सोचा था कि सहरी के एक्साइटेड हूँ। ये रमज़ान की पहली सहरी है, रमज़ान रहमतों बरकतों का मज़े का महीना है। ये सभी का फेवरेट महीना होता है, जैसे मेरा भी बहुत ज़्यादा ये फेवरेट महीना है। तो अब बस जल्दी से उठना है मुझे। लो जी, ये भी देख लो, घर की घड़ी ख़राब हुई पड़ी, और अभी इसने 8 बजे आए, इसकी वजह से मुझे लेट हो गई थी उठने में। तो जूता पहन के मुँह हाथ धोने को जा रहे हैं। वो धोने के बाद मेरे साथ ये सबसे बड़ा मसला है, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करने लगा हूँ। सो आई हैव वॉश्ड माई फेस बट माई आईज आर स्टिल रेड, यू गाइस कैन सी, लेकिन ठीक हो जाएंगी। आलमंड ऑयल मैं यूज़ करूँगा। तो सोने से पहले अगर आपकी आंखें मेरी तरह सूजती है, तो आप कोशिश करो आलमंड ऑयल का यूज़ करके सोया करो, उससे पफिनेस नहीं होती और आंखें सूजती नहीं है, ठीक है। और वैसे भी वो हमारे स्कार्स वगैरह जो होते हैं उनको ख़त्म करता है, तो मेरे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे ये मेरे बाल नहीं, आप देखते होंगे, ये मेरे कुदरती नहीं है, बचपन से नहीं है, ये मेरे ख़ानदानी है, ठीक है। तो अभी ऊपर चलते हैं, बाकी का सीन देखते हैं थोड़ा सा। पराठा यहाँ पे फट चुका है। ऊपर वाले फ्लोर पे आया हूँ, नीचे जाने लगा हूँ तो बहुत ठंडी मज़े की हवाएं, दिल कर रहा है ऊपर को जाऊँ। मतलब ऊपर पोर्शन है एक और, तो मैं सोच रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ, लेकिन ऊपर नहीं नीचे जा रहा हूँ। अजाने हो चुकी है, ये पीछे सीढ़ी पड़ी हुई है और ये स्टिक्स पड़ी हुई हैं, मतलब ऊपर जब कोई चीज़ हिलाने जुलाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए है ये यूज़ होती है। और पीछे मेरे जो छोटे छोटे भांजे हैं उनके कपड़े धुले पड़े हैं, ठीक है। तो मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे कपड़े धुले पड़े हैं, तो अभी वजू करूँगा, तो वजू करके फिर नमाज पढ़ के। तो जितने भी मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं सभी की कोशिश करता हूँ, हर एक को जवाब दूँ, हर एक कमेंट का जवाब दूँ, तो मैं देता हूँ, ये आप लोगों के सामने है। तो मेरी रूटीन होती है रमज़ान में कुरान पाक हर नमाज के बाद और पहले पढ़ना, पहले तो नहीं आज मैं पढ़ सका, लेकिन मैं नमाज के बाद पढ़ूंगा। तो अभी फजर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो अभी मैं कुरान पाक पढ़ूंगा और उसके बाद मैं फिर नाइट रूटीन फॉलो करके सो जाऊंगा और सुबह 12 बजे उठूँगा। तो सुबह मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।